जनपद में चल रहे संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान में संतोषजनक कार्य न होने पर जल निगम के अभियंता कार्यकारिणी अधिकारी मत्स्य के प्रतिकूल प्रविष्टि तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने संचारी रोग की समीक्षा करते हुए सुअर बाड़ों को शहर से दूर करने के निर्देश दिया तथा सभी सुअर बाड़ों में मैथिलीन का छिड़काव करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने DIOS को निर्देश दिए कि सभी विद्यालय में संचारी रोग दस्तक अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए एक एक पीरियड भी चलाया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी से कुपोषित बच्चों की जानकारी लेते हुए विशेष अभियान चलाकर कुपोषण दूर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनका प्रवेश विद्यालय में कराया जाए। साथ ही आशा ANM घर घर जाकर केवल स्टिकर ना लगाएं बल्कि घरों के लोगों को JEE के बारे में जानकारी दी जाए। डीएम ने CMO को निर्देशित किया कि झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करें। पिछले बार ये भी था, हर ब्लॉक में एक एक तालाब बना करके, मतलब उसमें जो कहा BSC CSE है वहाँ एक तालाब बना करके उसका वो बीज छोड़ना है, उसके बाद फिर बड़ा होने के बाद तालाब में छोड़ना है एक एक दो दो करके। अब कितने तालाब है पता है? तालाब तो साहब कितनी मलेरिया विभाग से मिल लेंगे हम। कितने लोग हैं? मलेरिया विभाग से। मलेरिया विभाग कहाँ देंगे? सर कार्यलंबना में दिया है तालाब तो मत्स्य पालन का तो तालाब तो सूची नहीं है, क्या करते हो? हर बार हम तो रेवेन्यू विभाग से दिलाते हैं तुम्हें, उसके बाद तो फिर आपको सुविधा विभाग का होता है तालाब। तो फिर चार हजार तालाब के हिसाब से कितने मछलियाँ आपको बीज पालना होता है, मुझिया कब कब डालना होगा, क्या कहाँ योजना हो रहा है? चलो उससे छोड़ के एक प्रायोरिटी है जो DPO विभाग का, तो हर आंगनबाड़ी केंद्र में वजन तोलने वाले मशीन लगाना चाहिए था। ये इन्हीं के लापरवाही की वजह इस बार जो प्रमुख सचिव साहब किस गांव में है वहाँ नहीं था, बहुत नाराज हो रहे थे जो नोडल ऑफिसर आए थे, इनका 50% को ऊपर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में वजन वाले मशीन देने, इलेक्ट्रॉनिक वजन वाले मशीन मुश्किल से 700-800 रुपया में आता है, उसको आपके यार जो बीए जनरेशन जो मध्य होता है 10,000 रुपया उसी से हम तो DPO को बताइए खरीद के हर जगह पहुँचा देंगे, पेमेंट उसको प्रदान नहीं करवा कितने करवा बिना बोले।